क्या आपके भी सोशल मीडिया के ऊपर से भरोसा जा चुका है? आप सोशल मीडिया से आपके समस्या के अकॉर्डिंग आपने कोई मंत्र सर्च किया और आप उनका प्रयोग विधि भी किया, लेकिन आपको उसका कोई फल नहीं मिला। आपको अभी ये लग रहा है कि ये तंत्र मंत्र कोई काम की चीज नहीं है, सिर्फ लोगों के ठगने की एक मार्ग है, तो इस वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं तारणा तांत्रिक, स्वागत करता हूँ आपको मेरे YouTube चैनल तंत्र मंत्र की दुनिया में। आज के वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे कि किसी भी मंत्र क्यों सिद्ध नहीं होता और इसको सिद्ध करने का सबसे आसान तरीका क्या है। मित्रों, कोई भी मंत्र किसी से लेके भी आप अगर उसको जप करने के लिए बैठ जाओगे तो वो मंत्र काम नहीं करेगा। जब भी आपको कोई मंत्र मिलता है तो वो मंत्र आपको सिद्ध किया हुआ मंत्र नहीं मिलता। जब भी कोई गुरु आपको कोई मंत्र देता है तो इससे पहले वो गुरु उस मंत्र के ऊपर सिद्ध जरूर पा चुका है। उसको ये पता है कि नहीं, ये जो मंत्र मैं किसी को दे रहा हूँ ये सच में काम करेगा और ये सिद्धि मेरे पास है, तो मैं भी ये मंत्र किसी को दूंगा तो वो भी इसका सिद्धि करेगा, तो उसके पास भी ये मंत्र काम करेगा। लेकिन अब जब लेते हो तो आपको देखा जाता है कि कोई कार्य नहीं करता। अब दो चार बार ट्राई कर चुके हो सही विधान के अनुसार, फिर भी नहीं मिल रहा है। आपको एक बात याद रखना जरूरी है, इस दुनिया में जो भी कीमती चीज है उसके ऊपर एक ताला लगाया जाता है क्योंकि वो चोरी ना हो जाए या उसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर ले। फिलहाल आप देख लीजिए, आपके मोबाइल में भी कोई ना कोई पासवर्ड जरूर रहा होगा कि आपके मोबाइल कोई दूसरों ने ना इस्तेमाल कर ले। बिल्कुल इस तरह के हर मंत्र के ऊपर एक किलक लगा हुआ रहता है। जब तक आप उस मंत्र के ऊपर से वो किलक ना हटा ले तब तक वो मंत्र आपसे सिद्ध नहीं होगा। तो इस मंत्र के किलक हटाने के लिए दो ही सबसे आसान और असरदार उपाय हैं। सबसे पहला जो उपाय है, जो कहा गया है भूत डामर तंत्र के अंदर, आप जिस मंत्र के ऊपर सिद्धि पाना चाहते हैं या आप जिस यंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हैं उनको किसी वृक्ष पत्र के ऊपर 108 बार लिखिए और नदी में उसको बहा दे। और अगर मंत्र या यंत्र बहुत शक्तिशाली हो, उस मंत्र या उस यंत्र किसी देवी देवता या किसी ना किसी शक्ति का है, तो आप एक काम करिए, किसी मूर्तिकार से या आप खुद मिट्टी से उस देवी देवता या उस शक्ति का कोई मूर्ति बनाए, फिर उस मूर्ति के सीने में उस यंत्र को लिख के दबा दें। अब आप उस मूर्ति को लगातार 30 दिन तक, मतलब अमावस से लेके अगले अमावस से एक दिन पहले तक सोरस प्रचार से उसका पूजा करें और पूजा हो जाने के बाद गुरु से अनुमति मांगे और उस यंत्र को मूर्ति के साथ नदी में बहा दे। फिर जाके आप उस मंत्र के साधना करने की जो विधि विधान है आप वो करें। इससे आपके साधना में सफलता मिलने के चांसेस 100 गुना बढ़ जाता है। अगर आपको जो मैंने समझाए इसको समझने में कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हुआ है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, या आपके भी कोई जटिल समस्या है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम हमारे तरफ से जितना हो सके समाधान देने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए विदाई लेते हैं, दूसरे दिन मुलाकात होगी दूसरे किसी वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। जय माता रा, जय मां कामाख्या।